गाइस बहुत तगड़े वाला सीन हो चुका है मेरे साथ, बहुत बैड सीन हो गया है और पिंडी में जो है बाइक पार्क करना मुझे बहुत महंगा पड़ गया है। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइज क्या बैड सीन हुआ मेरे साथ, तो उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। गाइज हुआ ये कि तकरीबन 2 साल पहले सुहेल ने जो है, सुहेल माई फ्रेंड माई फेलो राइडर, उसने जो है ब्रैंड न्यू यामाहा YB125Z परचेज़ की, और परचेज़ करने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद आफ्टर 2 वीक्स एक दिन यूनिवर्सिटी आया और मुझे कहता है कि यार बाइक के ऊपर पार्किंग में खड़ी की पिंडी में, और बाइक के ऊपर जो है कोई टैंक के ऊपर जो है काफ़ी बड़ा स्क्रैच डाल के चला गया। आई वॉज सो अमेज्ड कि यार ये कैसे हो सकता है, गलती से लग गया होगा। लेकिन जब मैंने स्क्रैच देखा, उसने मुझे दिखाया टैंक, तो मैंने कहा नहीं यार ये गलती से नहीं लगा, ये तो किसी ने जानबूझ के जो है स्क्रैच डाला है इसके ऊपर, और काफ़ी बड़ा स्क्रैच था मेन टैंक के ऊपर। तो काफ़ी परेशान हो गया वो भी। अब जाहिर सी बात है, नई बाइक हो और कोई इस तरह आपके साथ कर जाए तो फिर टेंशन तो होती है, क्योंकि आगे भी आपने पार्किंग में तो खड़ी करनी है बाइक। तो मेरे लिए बहुत हैरान कन बात थी, क्योंकि मेरे पास YBR बहुत पहले की है और मैं इस्लामाबाद में हर जगह पार्क करता हूँ, सुबह से शाम तक यूनिवर्सिटी में भी बाइक खड़ी रहती है पार्किंग में, कभी किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। मैं Trail 5 पर भी जाता रहता हूँ, डिफरेंट ट्रेल्स पे जाता रहता हूँ, वहाँ पे पार्क करता हूँ बाइक, ऊपर चला जाता हूँ सुबह से शाम तक, वापस आए अकेली जगह बिल्कुल, हालांकि ट्रेल्स की पार्किंग वहाँ कोई नहीं होता, कोई कुछ भी कर सकता है, बाइक भी लेके जा सकता है, कोई चीज़ खोल के ले जा सकता है बाइक की, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी भी बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो इसलिए जब सुहेल ने मुझे ये बात बताई तो मेरे लिए बहुत हैरान कन बात थी कि यार ये कैसे हो सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद तकरीबन 2-2.5 महीने बाद सेल फिर एक दिन मुझे बताता है, कहता है कि यार मैंने फॉग लाइट्स लगाई हुई थी और एक लाइट कोई उनमें से जो है तोड़ के ले गया। आई वॉज अगेन अमेज्ड कि यार ये हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। खैर उस वक्त मुझे इस चीज़ की कोई मतलब मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसा हो सकता है। गाइस 1 महीना पहले रोज़ों में मैं गया पिंडी में किसी काम से, और मुझे वहाँ पे बाइक पार्क करनी पड़ी, और एक बिल्डिंग की पार्किंग थी और मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तकरीबन जो है बाइक मेरी वहाँ पे 3 से 4 घंटे पार्क खड़ी रही, मतलब एज़ यूजुअल भी नहीं था कि मैं उस जगह पे डेली जाता रहूँ, ऐसा भी नहीं था, मैं फ़र्स्ट टाइम गया, मेरा कोई काम था, बाइक थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए पार्क खड़ी रह गई, और बिल्डिंग की पार्किंग थी ठीक है, और भी काफ़ी सारी बाइक्स उधर खड़ी थी ठीक है, गार्ड्स भी गेट पे मौजूद थे। इसके बावजूद जब मैं वापस आया अपना काम ख़त्म करके, तो आई वॉज शॉक्ड, मैंने जब देखा कि ये आपको नज़र आ रहा है हैंडल बार लाइट्स मेरी लगी हुई थी, और दोनों की दोनों लाइट्स जो है कोई तोड़ के ले गया। ये आपको तार नज़र आ रही है, यहाँ से उन्होंने कट की वायर को, और यहाँ से आप वो ओपन तो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने खींची और वो उनको ईजिली तोड़ के ले गया। आई वॉज़ रियली शॉक्ड कि यार ये क्या हुआ। फिर तब मुझे सुहेल की बात याद आई कि यार सुहेल वाकई ठीक कहता था, तो डिफरेंस हो सकता है पिंडी में, क्योंकि कंजस्टेड एरिया है, रश ज़्यादा होती है, इतनी बाइक्स होती हैं, कोई क्या कर रहा है, किसी को इससे कोई कंसर्न नहीं है, नो बॉडी केयर्स। तो ये सीन जो है मेरे साथ हो गया। खैर लाइट्स का तो इतना कोई वो नहीं है, इतनी महंगी नहीं थी, और वैसे भी जो है मैंने चेंज करनी थी क्योंकि टूर दी नॉर्थ की प्लानिंग चल रही थी, तो मैंने इसको वैसे भी चेंज करना था, और एक लाइट उनमें से जो है वो ऑलरेडी डिम हो चुकी थी, उसकी LEDs जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई थी, तो मैंने वैसे भी चेंज करनी थी। लेकिन बात यह है कि इस तरह करना एक तो ये गैर अखलाकी हरकत है, और दूसरा बहुत चीप लगता है यार, आप ये क्या करते हैं 200-250 रुपये की लाइट के लिए, आप लोगों ने जो है इट्स सो वेरी चीप यार, तोड़ने वाले बंदे को पता नहीं शर्म भी नहीं आई या कोई जेलेसी थी उसको। खैर जेलेसी की क्या बात होगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उस जगह पे गया था, तो मेरा कोई जानने वाला नहीं था वहाँ पे। सो गाइस बहुत ही कोई चीप हरकत की है जिसने भी की है, अगर वो बंदा वीडियो देख रहा है, मे बी कभी भी वो देख ले वीडियो,
तो यार शेम ऑन यू, शेम ऑन योर सेल्फ। सो गाइज, मैं अभी इस वक्त हूँ I8 में, मेरा थोड़ा सा काम था I8 मरकज़ में, तो मैंने कहा चलो यार इसका व्लॉग बना लेते हैं, काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। सो गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कभी कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप लोग शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, राइड सेफ, टेक केयर, बाय बाय।